अवध के कुछ लोग जो समझदार हैं, बड़े बड़े हैं, उन्होंने महाराज सुमंत को बुलाया। सुमंत एक ऐसा पात्र है साध राजा दशरथ का और रामचरितमानस का, ऐसा पात्र जिसकी महिमा का बाबा तुलसी जी गुणगान नहीं कर सकते। सुमंत वर्णन का विषय नहीं, सुमंत वंदन का विषय है। सुमंत जी जाते हैं, और सुमंत जी महारानी केकई के महल की ओर बढ़े, लेकिन उधर महारानी केकई नहीं है। सुमंत के कानों में महाराज दशरथ के राम राम की आवाज आने लगी। सुमंत जी कोप भवन की तरफ बढ़े तो महाराज अचेतन अवस्था में पड़े हुए। जय जीव का संबोधन करके अब सुमंत जी कहने लगे कि महाराज, हे अन्नदाता, मैं आपका दास सुमंत बोल रहा हूं। महाराज, हे महाराज, ये क्या हो गया? महाराज मुझे बताओ, महाराज ये क्या हो गया? राजा दशरथ ने सुमंत का हाथ पकड़ लिया। हे राम कहकर के महाराज दशरथ फिर भी सुमंत ने देखा कि मामला बहुत विकट है। महारानी केकई को प्रणाम किया सुमंत ने, और सुमंत जी बोले कि महारानी, मैं महाराज के चरणों का दास हूं, मुझे अधिकार तो नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि महारानियों से बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये दास क्या पूछ सकता है कि महाराज की तबीयत बिगड़ने का क्या कारण है? केकई ने कहा कि ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरी रात महाराज राम 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 कहकर के भी बिलख रहे हैं। आप जाओ और राम को जल्दी से जल्दी बुलाकर पिलाओ। महाराज दशरथ समझ गए कि काम तबीयत बिगाड़ती है और राम तबीयत सुधारती है, हो सकता है कोई बात हो। मुझे ज्यादा बीच में पूछताछ नहीं करनी चाहिए, और महाराज सुमन महल से निकले हैं। साथ सुमंत के कदम गति से बढ़ते हुए देखे, लोगों ने पूछा कि महाराज को क्या हुआ है? आज महाराज महलों से बाहर क्यों नहीं आए? पर समझ में किसी को कोई जवाब नहीं देता। सुमंत जी महाराज राम के दरवाजे पर जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं। आज रात में प्रभु राम को नींद नहीं आई है, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, राम और सीता ने एक साथ दरवाजा खोला, और जैसे ही मां जानकी ने सुमंत जी को देखा तो मां जानकी ने बैठ करके बाबा सुमंत को बाबा सुमंत कहकर के चरण पकड़े हैं। साहब बाबा आप पहली बार मंत्री सुमंत ने राम का दरवाजा खटखटाया है। जैसे ही मां जानकी ने सुमंत के चरण स्पर्श किए, सुमंत ने कहा
हे जानकी, आप मर्यादा की मूर्ति हो और आपका ये वंदन राजा जनक के संस्कारों की झलक दिखाता है। वास्तविक रूप में तू दशरथ के आंगन के योग्य है, और क्यों ना हो, जो विधेय राजा जनक की सुपुत्री कहलाई उसमें ऐसे संस्कार होने चाहिए। राम कथा कहती है कि कोई भी हमारे दरवाजे पर आए तो सबको उसका चरण वंदन करना चाहिए। उदासीन चेहरा देख करके राम बोले, बाबा आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है? सुमंत जी ने कहा कि राम, आप जितना जल्दी हो सके आप मेरे साथ चले, महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। राम ने जैसे ही तबीयत ठीक नहीं है सुना, राम को एक झटका लगा। क्या हुआ पिता सिंह को? सुमंत ने कहा कि ये मुझे पता नहीं है, लेकिन महाराज सारी रात से आपका नाम स्मरण कर रहे हैं। राम जी जिस वेश में थे, ऐसे कैसे सुमंत जी के पीछे पीछे चल पड़े? जानकी ने निवेदन किया कि प्रभु मुझे भी साथ ले चलो, पिताजी की तबीयत खराब है, मैं कुछ सहायता करूं आपकी। राम ने कहा, नहीं सीते, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर में आकर के पिताजी को संभालूंगा और ठीक हो जाएगा। राम सुमंत के पीछे पीछे चलते हैं और जाकर के पिताश्री को देखा। सुमंत जी ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, हाँ सुमंत, मेरा राम। इतनी देर में राम ने पिताश्री के चरण पकड़ लिए। जैसे ही प्रभु राम ने पिताजी के चरण पकड़े और महाराज दशरथ ने राम का हाथ पकड़ लिया, सर, हे राम, हे राम, हे राम। बिगड़ी हुई तबीयत को देख करके सुमंत से पूछा कि महाराज, पिताजी की हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? सुमंत जी ने कहा कि मुझे पता नहीं, राम को जाते हुए देखा तो अवध के लोग निराश हो गए, खुशियां धीमे धीमे मंद होने लगी। जो स्वर गूंज रहे थे वो स्वर धीरे धीरे बंद हो गए। पूरी अवध सन्नाटे की साया में खड़ी रह गई। महाराज को क्या हुआ? राम जी ने विचार किया कि जब मां सामने खड़ी हो तो फिर किससे पूछना। मां कैकेयी को वंदन करके प्रभु राम ने कहा कि मां, ये पिताजी की हालत कैसे बिगड़ गई? आज पिताजी आपके महल में थे, आपको तो पता होगा। कैकेयी ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया, कहा, बेटा मैंने भरत को राजपद की बात कह दी, तुझे वनवास की बात कह दी। इतना कहते ही राम जी के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ गई। जिसको हर्ष और विषाद नहीं होता उसका नाम परब्रह्म होता है। अगर किसी का राज्य विषेक की तैयारी हो रही हो और उससे कह दिया जाए कि जा तेरा वनवास हो गया, तो अटैक आ जाएगा आदमी को, यह राम प्रसन्न हो रहे हैं।
राम जी के चेहरे पे प्रसन्नता आ गई सर। राम जी कहने लगे कि बस इतनी सी बात, राम जी ने कहा कि सुन जन नहीं सोई सुत बड़ भागी और माता पिता वचन अनुराग। मां वो पुत्र धन्य है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है, और मैं तो इतना धन्य हूं कि मेरे को तो माता और पिता, अगर पिता कोई बात कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मां अगर कोई बात कहे तो पुत्र को जरूर मानना चाहिए। राम जी महाराज दशरथ के चरणों में बैठकर कहने लगे कि पिताजी इतनी सी छोटी सी बात पर इतना क्लेश, 14 वर्ष देखते देखते बीत जाएंगे, कोई बात नहीं है पिताश्री। ऐसे कहते ही राजा दशरथ ने फिर राम जी को पकड़ लिया। राजा दशरथ ने कहा कि बेटा एक पल के लिए भी नजर से ओझल हो जाएगा तो तेरे पिता के प्राण निकल जाएंगे। राम ने कहा कि पिताजी इसमें प्राण निकलने की कोई बात नहीं है। एक ने कहा कि राम समय गुजारने में फायदा नहीं, जितना जल्दी हो सके तैयारी करो, जितना जल्दी हो सके तैयारी करो, अगर तुम एक पल के लिए भी रुके तो तुम्हारे पिताश्री की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। राम कैकेयी के महल से निकलते हैं और अकेले बिना सुमंत के बिना किसी को कुछ बताए हुए सीधे कौशल्या के महल में जाते हैं। मां को प्रणाम किया लेकिन राम सोच रहे हैं कि कैसे कहूं। कैसे कहूं कि पिता दीन मोहि कान, कैसे कहूं कि मैं, कैसे कहूं कि मैं राज्य विषय के लिए नहीं, क्या कहूं मां को, क्या कहूं, मां का दिल टूट जाएगा। प्रभु राम ने अपने शब्दों को संवारा और प्रभु राम ने मां कौशल्या के चरण पकड़ करके कहा कि मां पिताजी ने मुझे राज तो दिया है लेकिन पिता दीन मोहि कानन राजू, अरे जय सब भांति मोर बड़े काजू। पिताजी ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया राज्य विषय में। क्या कर दिया बेटा तेरे पिताजी ने, क्या परिवर्तन किया है, देख बेटा तू ये ड्रेस पहनेगा, ये कपड़े पहनेगा, अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं मां, मेरे कपड़े मेरी मां के कहीं ने बता दिए कि तुझे क्या पहनता है। अब तेरे कपड़ों की जरूरत नहीं मां, तू जानती है ना के कहीं मेरे से कितना प्रेम करती है, तो मैं बता के कहीं का कहना मानू कि तेरा कहना मानू। नहीं बेटा, तेरी मां के कहीं है और के कहीं कहे सो तुझे करना है, करना है तुझे वो। मैं क्या, मैं तो मैं हूं, के कहीं तेरी मां है। मां थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया पिताजी ने कि मुझे अवध का राज नहीं देकर के मुझे जंगल का राजा बना दिया। इतना सुनते ही एक जमीन पर बैठ गई। कौशल्या जमीन पर बैठ गई। मां कहने लगी बेटा ये जंगल का राजा किसने बनाया है, ये पिताजी के वचन है। और मां पिताजी के वचन नहीं, ये मां कैकेयी के भी वचन है। मां कौशल्या ने कहा कि बेटा अगर तेरे पिताजी के ही वचन होते तो मैं फिर बदल कर देती,
लेकिन अगर तेरी माँ के एक एक भी वचन है तो बेटा तुझे जंगल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं महाराज दशरथ के वचनों को इधर उधर कर सकते हूँ, लेकिन तेरी माँ के वचनों, तेरी माँ के एक के वचनों में मैं फेरबदल नहीं कर सकता। क्या मर्यादा है साहब, क्या मर्यादा है। माँ ने कहा बेटा जाओ, पर अब मेरे से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं, मां कहते से आशीर्वाद लेकर के चले जाओ। इतनी देर में लखन भैया, लखन भैया ने कहा मां, बड़ी मां की आंखों में आंसू, मां क्या हुआ बता तो सही। राम ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है लखन, शांति रखो, मुझे राज्य अभिषेक नहीं, मुझे जंगल का राजा बनाया है पिताजी ने, पर मैं जंगल वन में जाने की तैयारी कर रहा हूं। इतना कहते ही लखनलाल का पारा आग बबूला हो गया। भैया मैं किसी राजा महाराजा को नहीं जानता, राजा चाहे मेरे पिता महाराज दशरथ ही क्यों ना हो, मैं मेरे भाई को वनवास देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम ने लखन को पकड़ा और कहा कि भैया तू लखन है, तू मेरा भाई है, इसलिए तेरे भाई की सौगंध है, अब दोबारा ऐसे वचन मत बोलना। लखन चुप हो गए। लखन ने कहा भैया ये लखन तुम्हारे चरणों के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मुझे इजाजत दो, ये लखन भी तुम्हारे साथ चलेगा। माँ माँ कौशल्या भैया को समझाओ कि मुझे साथ लेकर के चले। राम ने कहा कि मेरे साथ चलने से पहले माँ सुमित्रा से इजाजत लेकर के, और सुमित्रा ही सुमित्रा नहीं, आपको उर्मिला से भी इजाजत लेनी पड़ेगी। लखनलाल दौड़ते हुए जाते हैं। निरखि राम रुख सचिव सुत कारण कहो भुजाए, राम ने लखन का रुख देखे, और दौड़ करके सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा जी राज्याभिषेक की तैयारी में लगी हुई है, और जाकर के सुमित्रा से कहा कि मैया मैया सब उलट पुलट हो गए। क्या हुआ बेटा, तूने अभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, तू तैयार नहीं हुआ। अरे तेरे बड़े भाई राम का राज्य भी सीख गया, जाओ स्नान करो तैयार हो। मां सब बदल गया, क्या हुआ। मां भैया को पिताश्री ने 14 साल का वनवास दे दिया। इतना कहते ही एक एक आंखों से आंसू पात हो गए। राम को वनवास, वो भी 14 साल का, क्यों। मां मुझे पता नहीं, पर मुझे भैया राम ने बताया, और मां मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं कि मुझे इजाजत दो कि मैं भैया के साथ में 14 साल तक उनकी सेवा में रहूं। माँ ने कहा कि बेटा लखन ये सुमित्रा तेरी माँ नहीं है और दशरथ तेरा बाप नहीं है, तेरे माँ बाप राम और सीता है। जाओ मेरे लाल, पर याद रखना 14 साल तक तू वनवास रहेगा, मेरा राम वनवास रहेगा, मेरी बेटी सीता वनवास रहेगी, तो मेरे लाल मेरी कोख पर आंच नहीं आए। और याद रखना कि सपने में भी कभी राम और सीता के विरोध में वचन मत बोल देना, सपने में भी। इतना सुनते ही लखनलाल ने कहा कि मां मैं
चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, मैं 14 साल तक जागूंगा, न सोऊंगा न सपना आएगा। सपना आएगा तो बुरा होगा, जब सपना ही नहीं होगा तो बुरा क्या होगा। माँ ने लखन को पकड़ करके अंक में भर लिया। रो पड़ी माँ, मेरे लाल बस मेरी कोख धन्य हो गई, एक माँ तेरे से यही चाहती थी, जा मेरे लाल और जा तेरे माँ बाप है वही तेरी अवध है। रो पड़ी माँ, लखन ने चरण स्पर्श कर इजाजत ली और सीधा उर्मिला की महल में गया। उस समय उर्मिला चित्रकार है, चित्र बनाती है उर्मिला, बहुत बड़ी चित्रकार है। और उर्मिला राम और जानकी का सिंहासन पर बैठे हुए का चित्र बना रही थी। उर्मिला सोच रही थी कि जब राम और सीता, मेरे राम और मेरी बहन मेरी दीदी सीता सिंहासन पर बैठेगी कितनी सुंदर लगेगी, इसका फोटो बना करके मैं मेरे पिता जनक को भेजूंगी जो अपने दरबार में लगे हैं। चित्र बना रही थी, रंग भर रही थी रंग। उसी समय दरवाजे पे खड़े होकर के और लखनलाल ने कहा उर्मिले, और जैसे ही उर्मिले शब्द आया और उर्मिला की ब्रुश हिल गई, हाथ हिल गया और चित्र बिगड़ गया। चित्र बिगड़ गया। उर्मिला ने कहा नाथ आपकी आवाज से मैं डर गई और चित्र बिगड़ गया। लखन ने कहा उर्मिला तेरे बनाने से पहले ही चित्र बिगड़ गया, ये चित्र तो पहले ही बिगड़ गया। और सुन ले, मैं राम के साथ 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूं, मेरे राम को वनवास मिला है। और मुझे लगता है उर्मिले कि राम वनवास जाएंगे तो सीता भी वनवास जरूर जाएगी। पर उर्मिले मैंने एक बहुत बड़ा व्रत ले लिया, उसकी तू लाज रख देना उर्मिले, उसकी लाज तुझे रखनी है। क्या बोलो भगवंत, क्या प्रण ले लिया? मैंने माँ के सामने आवेश में आकर के 14 साल जागने का व्रत किया है, उसकी लाज रख लेना उर्मिला। ऐसे कहकर के लखन निकले और उर्मिला दरवाजे पर खड़ी हो गई। उर्मिला ने कहा कि प्राणनाथ तुमने जागने का व्रत लिया है, लेकिन मैं संकल्प करती हूँ कि 14 साल इस दरवाजे पर ही खड़ी रहूंगी, जब तक मेरे प्राणनाथ मेरे भगवान लखन के कदम अवध में नहीं पड़ेंगे तब तक उर्मिला खड़ी खड़ी इस दरवाजे पर इंतजार करेगी। इसका नाम है पतिव्रत धर्म, इसका नाम है गृहस्थ धर्म, इसका नाम है और पत्नी और पति का प्रेम है। ये राम कथा मर्यादाओं का ग्रंथ है भाई। राम लखन और सीता, सीता ने कहा कि प्रभु मुझे ले चलो। राम ने नाना विधि कर समझाया, लेकिन सीता ने कहा नहीं प्राणनाथ, मैं आपके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, आप मुझे ले चलो। राम ने कहा कि ठीक है, तैयार हो। और तीनों प्राणी महलों में से निकल करके और राजा दशरथ के सामने खड़े हो गए। पूरा शहर उदासीन है, पूरा शहर रो रहा है। केकई ने कहा कि वलकल वस्त्र लेकर के आओ। राम जी को वलकल वस्त्र पहनाए। लखन ने कहा कि मां मैं भी जाऊंगा, कि लखन को भी वलकल पहना दे। वलकल का मतलब होता है पेड़ों की छाल के वस्त्र। सीता ने कहा कि मां मैं भी जाऊंगा। केकई ने कहा कि इसे भी वलकल वस्त्र पहना दो। इतना कहते ही वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी
अरुंधति खड़ी हो गई और भरी सभा के बीच में कहने लगे, कैकेयी अगर तूने भूल से भी सीता जी को वलकल वस्त्र धारण करवा दिए तो पूरी अवधूत में अभी इसी समय मेरी योग माया से आग लगा करके राख कर दूंगी। कैकेयी कांपने लगी, कांप उठी कैकेयी। कैकेयी ने कहा ठीक है, और जैसे ही सीता जी के शब्द राजा दशरथ ने कानों में सुना, राजा दशरथ हिम्मत बांध करके सीता जी के चरणों में लोटपोट हो गए। राजा दशरथ कहने लगे, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझे वन नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने राजा दशरथ को वचन दिया, राजा जनक को वचन दिया है कि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारी कन्या पर कोई आंच नहीं आ सकती। मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा बेटा, इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, हे जानकी तेरे बिना ये दशरथ मर जाएगा, मेरी बेटा मर जाएगा। तू रहेगी तो थोड़ा मेरा मन बहल जाएगा बेटा। मर्यादा की मूर्ति जानकी ने कहा, पिताश्री मेरी माँ और मेरे पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं वो ये दिए हैं कि पति जहां हो जैसे भी हो पत्नी को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे और बुरे वक्त में जिस पति के साथ में पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है उस कुल का कभी विनाश नहीं हो सकता। इसलिए पिताश्री मुझे माफ कीजिए, मैं प्रभु राम के चरणों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर मैं नहीं गई तो मेरे पिता ऐसे कहेंगे कि बेटा तूने मर्यादा को तोड़ करके मनमानी की है। राजा दशरथ बेहोश होकर धरातल पर गिर पड़े। हे राम, हे राम, हे लखन, हे सीता, हे लखन, हे सीता, चिल्लाने लगे। वनवास की तैयारी हुई। सुमंत जी को राजा दशरथ ने बुला करके कहा कि सुमंत भैया, पूरे जीवन आपने मुझे ऐसे संवारा है जैसे किसी बालक को कोई मां संवारती है, मेरे ऊपर एक उपकार कर दो सुमंत, एक उपकार कर दो, इतना सा उपकार कर दो कि राम को रथ में बिठा करके चार दिन के लिए घुमा करके वापस ले आना, और अगर सुमंत मान लीजिए राम नहीं आए तो सीता को छोड़कर मत आना, मैं सीता को देख देख करके समय काट लूंगा। सुमंत जी की आंखों में आंसू बह गए। सुमंत कहने लगे, हे अन्नदाता मैं कोशिश कर सकता हूं, वचन नहीं दे सकता। रथ तैयार किया। राम ने सोचा कि अवध पूरी मेरे पीछे आएगी, मुझे रथ में बैठ जाना चाहिए। रथ में बैठ करके और रथ अवध से निकलने लगा। माँ कौशल्या रथ के पहियों के चिपट गई। साहब रो पड़ी मेरी माँ कौशल्या, कहने लगी, बेटा मेरे प्राण उड़ जाएंगे, मेरे लाल मुझे संग ले चले, मेरे लाल मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, मुझे साथ ले चलो मेरे लाल। माँ सुमित्रा ने कौशल्या को संभाला, कौशल्या को अंक में भर के कहने लगी, बहन होनहार बड़ा बलवान है, 14 साल गुजर जाएंगे, राम आ जाएंगे, आप पतिदेव राजा दशरथ के वचनों को खंडित मत होने दो, उनका पालन करने के लिए हमें पति का साथ देना चाहिए। कौशल्या पत्थर की मूर्ति बन करके दरवाजे का खंभा पकड़ करके रो पड़ी। सा क्या करूं, राम जा रहे हैं, कौशल्या देख रही है, दौड़ करके राम का रथ पकड़ लेती है, फिर सुमित्रा पकड़ करके लाती है।
सोचने लगा और माँ कौशल्या राम को आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगी। कहने लगी, माँ लाल मुझे ले चल, अलका में राखी बेटा, अलका में राखी बेटा, पलका में राखी बेटा, अरे झूलो झुलाती बेटा, कांधा पे राखी बेटा, अरे लोरी सुनाती रे हो, अरे मारा बेटा वन मत जाज हो रा, संगम है बंधन तो
प्रभु राम अवध छोड़ करके वहां जंगल की ओर प्रस्थान किया मेरे राम ने, और सबसे पहला पड़ाव प्रभु राम का वन गमन समय तमसा नदी के तट पर हुआ। पहला पड़ाव तमसा नदी, तमसा नदी के किनारे पर रेत बिछी हुई है, पूरी अवध साथ में है प्रभु राम का। संध्या के समय रात पड़ने लगी, आकाश में चंद्र का प्रकाश खेलने लगा, चंद्रमा की चांदनी में सब लोग तमसा नदी के किनारे पर सो गए हैं, केवल दो व्यक्ति जाग रहे हैं। माँ जानकी प्रभु राम पहली बार जमीन के ऊपर तमसा नदी के किनारे पर रेत में अपनी पीतांबर बिछा करके और पत्थर का तकिया बना करके सोते हैं। राम और सीता सोए हुए हैं और वही सुमंत जी ने रथ खड़ा किया हुआ है, रथ के पहिए के पास में बैठ करके और सुमंत जी राम और सीता के दर्शन करते हैं। और लखन ने आज पहली रात से अपने जागने का प्रण पूरा करने के लिए पहरा देना चालू कर दिया। लखन तमसा नदी के किनारे पर घूमते हुए सारे अवधवासियों को देखते हुए आते हैं, और जब राम और सीता जी रेत पर सोते हुए देखते हैं तो लखनलाल प्रभु राम के चरणों को पकड़ करके जोर से रो पड़ते हैं। लखन के रोने की आवाज सुनकर के सीता और राम बैठे हुए, और जानकी मैया लखन लाल को अपनी गोदी में बिठा करके ऐसे रखती है जैसे कोई माँ अपने नन्हे बच्चे को रख रही हो। राम ने लखन के सिर के ऊपर हाथ रखा और कहा, भैया रोते हो? लखन ने कहा, प्रभु मैं मेरे माँ बापों को धरती पर सोते हुए नहीं देख सकता, मैं ये नहीं देख सकता मेरे प्रभु। सुमंत जी की आंखें खुली, दौड़ करके लखन को रखा। इस दृश्य को देखकर 70 वर्ष के महामंत्री राजा दशरथ के सुमंत आंखों में आंसू आ गए। 2 मिनट का विश्राम करेंगे। हेलो हेलो, परम सम्मानीय वीडियो साहब श्री भगवान सिंह जी व्यासपीठ पे पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। परम सम्मानीय हीरालाल जी मेघवाल साहब अतिरिक्त परियोजना समन्वयक झालावाड़ समग्र शिक्षा, परम सम्मानीय राकेश जी मीणा प्रोग्राम ऑफिसर व्यासपीठ पे पधारे, परम सम्मानीय डॉक्टर साहब परमानंद जी मीणा पाटन वो भी व्यासपीठ पे पधारे, गुरुदेव से आशीर्वाद।